हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने बागी दिग्गज नेता राजेश जून को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। आपको बता दें, जून को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के बाद 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। गौरतलब है कि बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद राजेश जून निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राजेश जून को चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माने। फिलहाल अब कांग्रेस ने राजेश जून पर कार्यवाही की और उन्हें लेकर निष्कासन का पत्र जारी कर दिया है। काबिले गौर है कि इससे पहले कांग्रेस ने इसी तरह अंबाला कैंट उम्मीदवार चित्रा सरवारा पर भी कार्यवाही की थी। कांग्रेस ने हाल ही में चित्रा सरवारा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। यही नहीं, चित्रा सरवारा पर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया था। चित्रा सरवारा भी अंबाला कैंट से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं राजेश जून की, तो राजेश जून ने टिकट ना मिलने के बाद पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस के इस एक्शन को लेकर राजेश जून का कहना है कि वह पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और अब निर्दलीय चुनाव लड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बहादुरगढ़ की जनता के हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है और वह चुनावी मैदान में डटे रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से राजेंद्र जून को टिकट दी है, मगर राजेश जून बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक राजेंद्र जून को प्राथमिकता दी और राजेश जून को उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद राजेश जून ने अपने समर्थकों के साथ रजामंदी करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजेश जून ने समर्थकों से कहा था कि मैं तभी चुनाव लड़ूंगा जब समर्थक मुझे पूरी तरह से इजाजत देंगे और तन मन धन से मेरी 24 घंटे मदद करेंगे। दरअसल उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद पार्टियों को अपने बागी नेताओं की सिरदर्दी भी झेलनी पड़ी। कांग्रेस के खेमे में भी बगावत की स्थिति पैदा हुई। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता टिकट न मिलने से नाराज हो गए और इस्तीफा देने लगे। वहीं इस्तीफा देते हुए राजेश जून ने कहा था कि कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया है, मुझे टिकट देने का वादा किया गया था लेकिन टिकट नहीं मिला। राजेश जून ने कहा कि मुझे यूज करके फेंका गया है, मेरी हालत यूज एंड थ्रो वाली की गई। आपको बता दें कि इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र जून को टिकट मिलने के बाद राजेश काफी नाराज थे। उस दौरान भी उन्होंने बहादुरगढ़ सीट से पर्चा दाखिल कर दिया था। हालांकि तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीच में दखल दिया और राजेश से चुनाव से अपना नामांकन वापस ले लिया था। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।